हम लोग औद्योगिक नीति पढ़ रहे थे और हमने आपसे शुरू में ही कहा था कि जब हम इस पूरे इंडस्ट्रियल पॉलिसी को विस्तार से पढ़ लेंगे तो हमारा 10-15 चैप्टर जो औद्योगिक समस्याओं से संबंधित है, चाहे उसमें औद्योगिक नीति की बात हो या उसमें औद्योगिक संबंध की बात हो, चाहे उसमें उद्योग से जुड़े किसी और भी प्रश्न की बात हो, वो सारे इशू औद्योगिक नीति में डिस्कस हुए रहते हैं और उन्हीं के बारे में अलग अलग अध्याय के नाम से उनकी व्याख्या की जाती है। तो वो सारे चैप्टर्स इसमें कवर होंगे और जब आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में अच्छे से आएगा। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि इन केस अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो उसमें नया है और बाई चांस मिस कर गया, इसमें डिस्कस नहीं हुआ, तो आप उसको नोट करके क्लास में पूछ लीजिएगा, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। आज हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की औद्योगिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा 24 जुलाई 1991 में की गई। अब देखो इसका उद्देश्य क्या था। पहला था सुदृढ़ नीति संरचना, साउंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। एक एक हम लोग समझते चलते हैं, ध्यान दो। सुदृढ़ है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा है, अधसंरचना की बात नहीं कर रहा है, नीति संरचना की बात कर रहा है। इसका मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत सुदृढ़ होना ही चाहिए, उससे ज्यादा जरूरी है कि नीति का जो स्ट्रक्चर है वह बड़ा मजबूत होना चाहिए। अर्थात किन किन साधनों के माध्यम से कोई उद्देश्य प्राप्त होगा, यह जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि वो कैसे प्राप्त होगा, प्रोसेस क्या होगा, हम तरीका कौन सा अपनाएंगे, हम विधि कौन सी अख्तियार करेंगे। इसका मतलब हमारे पास वह पॉलिसी होनी चाहिए जो चीप एंड बेस्ट हो। कैसी होनी चाहिए? जो इस तरह फ्रेम की गई हो कि वो कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन को सुनिश्चित कर सकती हो। इसलिए सुदृढ़ नीति संरचना की बात कर रहा है। संसाधन की दृढ़ता की बात, वो तो अलग इशू है, वो तो चाहिए ही चाहिए, साधन तो चाहिए ही चाहिए, उस पर कोई विवाद नहीं है। दूसरा उद्देश्य क्या था? लघु उद्योगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखिए हमेशा चाहे जो पॉलिसी बनी, लघु उद्योग जरूर फोकस में रहा। उसके पीछे कारण यह होता है कि बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने और स्थानीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की पर्याप्त पूर्ति सुनिश्चित करने, जो लोकल यूज की वस्तुएं हैं उनमें लघु उद्योगों की ही भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि बहुत बड़े उद्योग ज़्यादातर कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, पूंजी गहन होते हैं, टेक्नोलॉजी इंसेंटिव होते हैं, तकनीकी गहन होते हैं, बड़ी मशीनें लगी होती हैं, कंप्यूटराइज्ड होते हैं, वहाँ मैन पावर ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। हाँ, बहुत स्ट्रांग और बहुत स्किल्ड मैन पावर की जरूरत जरूर पड़ती है, लेकिन ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि काम सारी मशीनें करती हैं, सिर्फ आपको उसे ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर चाहिए। तो इसलिए वहाँ रोजगार का उद्देश्य और छोटी मोटे रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं का उत्पादन, ये दोनों ही उद्देश्य बड़े उद्योगों से पूरा नहीं हो पाता। इसके लिए छोटे उद्योगों का होना बहुत अनिवार्य है। तो इसलिए लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। तीसरी बात, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। देखिए आत्मनिर्भरता ये सुनने में बहुत अच्छा शब्द है और किसी भी तरह की आत्मनिर्भरता बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा आप और अगर गहराई में जाएं और ईमानदारी से इकोनॉमिक्स की भाषा में अन्य बातें समान रहें अगर मान करके व्याख्या करें, तो आत्मनिर्भरता अच्छी बात है लेकिन परस्पर निर्भरता इससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि परस्पर निर्भरता में एक दूसरे पर विश्वास भी शामिल रहता है, और यदि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं, इसलिए यदि कह रहे हैं कि अक्सर धोखा कौन करता है, जिस पर आप विश्वास करते हैं वही करता है, यदि वह धोखा ना करे तो ये तो निश्चित है कि आप अकेले जितना करेंगे उतना दो लोगों से मिलने पर उससे ज़्यादा ही करेंगे, उससे कम नहीं करेंगे।
तो आत्मनिर्भरता अच्छी बात है, लेकिन परस्पर निर्भरता उससे भी अच्छी बात है यदि अन्य बातें समान है। तो हर जगह हमेशा आत्मनिर्भरता इसलिए फोकस की जाती है कि जब आप आत्मनिर्भर रहते हैं, एक इसका दूसरा पहलू यह है कि जब आप दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं तब आपको धोखा मिलने की गुंजाइश कम होती है, कोई आपको चीट करे इसकी संभावना कम होती है। फिर आप जब आत्मनिर्भर होते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका आत्मविश्वास बड़ा मजबूत होता है, आप में डिसीजन मेकिंग पावर होती है, आप नहीं कहने में सक्षम होते हैं। नो जैसे होता है, नो का मतलब सिर्फ नो होता है। एक पिक्चर आई तुमने देखा था ना, उस पिक्चर में कहता है नो, तो नो का मतलब बस नो होता है, उसके आगे पीछे कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। तो नो कौन कह सकता है? नो केवल वह कह सकता है जो आत्मनिर्भर हो। जैसे मान लीजिए कोई आपके साथ आपको परेशान कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, लेकिन अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप उसी पर आश्रित हैं, उसी का दिया खा रहे हैं, उसी के साथ चल सकते हैं, अकेले आप एक कदम नहीं जा सकते हैं, अकेले आप खा नहीं सकते हैं, अकेले आप रह नहीं सकते हैं, आपके पास एक पैसे का कोई साधन नहीं है, तो आप मजबूर हैं उसका अत्याचार सहने के लिए। इसका ठीक उल्टा, अगर आप आत्मनिर्भर हैं, 50,000 रुपया महीना कमाते हैं, आप अकेले अमेरिका, लंदन, बम्बई कहीं भी चले जा सकते हैं, रात को 1 बजे भी जा सकते हैं, 10 बजे भी जा सकते हैं, तब तो जैसे आपके मन का काम नहीं करेगा उसको तुरंत उसी को आप निकाल दीजिए बाहर, वो क्या निकालेगा? तो ऐसा हो आप हो कि कोई आपको ना निकाले, आप उसको निकाल सको ना यार। जैसे ये बात मैं हमेशा हर बात के लिए कहता हूँ, जैसे समाज में जितनी विसंगतियाँ भी व्याप्त हैं, तमाम तरह की बुराइयाँ विद्यमान हैं, तो वो बुराइयाँ कुछ इसलिए भी हैं कि आप सह लेते हैं बहुत ज़्यादा। आप एक बार विरोध करिए, देखिए ना समस्या खत्म हो जाएगी। तो विरोध करना, विरोध का मतलब होता है आप मना करना सीखिए, विरोध माने झगड़ा नहीं करना है, विरोध का मतलब आप मना करिए, आपके मन का नहीं है तो उसे ऐसा नहीं कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, टालने से समस्या बढ़ती चली जा रही है। आपके मन का है इट्स ओके, तो चाहे जितना बुरा है उसे कोई मतलब नहीं, सीधी सी बात है। अगर आपके मन का कोई काम है तो चाहे जितना बुरा है भाई, आपको अच्छा लग रहा है तो फिर उससे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन चाहे जितना अच्छा है अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तब फिर इसका मतलब क्या है? तो आपको कहना चाहिए कि नहीं, और अगर बुरा है भाई तब तो कोई बात ही नहीं, तो आपको नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं। तो आत्मनिर्भरता इसलिए जरूरी है कि आपका आत्मविश्वास मजबूत हो सके, आप डिसीजन मेकिंग पावर में आ सकें, आप धोखा न खाएं। तो इसलिए आपने, और यही बात व्यक्ति के लिए, यही बात देश के लिए, पता चला कि हम सारे चीज़ों के लिए अमेरिका पर निर्भर हो गए, अब वो कहते कल से देवा नहीं करेंगे। जैसे पेट्रोल की स्थिति क्या है, पेट्रोल पूरी तरह से हम आयात पर निर्भर हैं, तो अगर पेट्रोल देने वाला देश कहते कि कल से नहीं देंगे पेट्रोल, और पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर पूरी दुनिया ही खड़ी हो जाएगी एक सेकेंड में, पेट्रोल पर ही पूरी दुनिया चल रही है ना, सब कुछ पेट्रोल पर चल रहा है। तो अगर पेट्रोल, हवाई जहाज चल रहा है, ट्रेन चल रही है, लोकल ट्रांसपोर्ट चल रहा है, उत्पादन चल रहा है, आपकी गाड़ी चल रही है, सब कुछ किस पर चल रही है? पेट्रोल पर। तो इसलिए कुछ आपके पास विकल्प, यही आत्मनिर्भरता है कि कुछ ऐसी व्यवस्था कर लो कि पेट्रोल ना भी मिले तब भी हमारा कम से कम मिनिमम काम तो चलता रहे भाई, बहुत ज़्यादा भले ना चले, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता इसी तरह से व्यक्ति को ले लो, तो भाई ऐसा कुछ करो कि अपने घर की व्यवस्था कर लो, नौकरी मिले चाहे ना मिले, ठीक है। इसके अलावा एकाधिकार की समाप्ति, एबोलिशन ऑफ मोनोपोली, ये वास्तव में ये फोकस किया गया कि ऐसा कतई ना होने पाए कि एक आदमी का एकाधिकार हो जाए, यानी कुछ लोगों का ही एकाधिकार हो जाए, ठीक है। जैसे आरोप ये लगने लगता है कि सारा कुछ जितना भी काम हो रहा है वह किसी खास उद्योगपति की हित में हो रहा है, या सब उसको फायदा हो रहा है, तो सरकार ऐसा नहीं कर रही है, लेकिन सरकार का यह दायित्व है कि यदि ऐसा हो रहा है तो उसको रोके, ऐसा करे कि सबको लाभ मिले, केवल कुछ कुछ लोगों को उसका लाभ न मिले। श्रमिकों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लेबरर्स, तो जो मजदूर हैं उनके हित का संरक्षण, अर्थात उनके लिए उनकी सम्मानजनक मजदूरी,
उनके कार्य करने की दशाएं, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनका रिटायरमेंट प्लान, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करना, ये जिम्मेदारी भी इसमें सरकार की है। और इसे नीति में फोकस किया गया कि मजदूरों के इन सारे हितों का संरक्षण किया जाएगा, लेबर लॉ चेंज किए जाएंगे ना, उनके रेम्यूनरेशन का, पेंशन का, उनके वर्किंग कंडीशन का, सोशल सिक्योरिटी का, ये सारा, जैसे आप देखते होंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके एक कॉन्सेप्ट आया बाद में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो निगमित क्षेत्र है, जो पूंजीपति हैं, जो कंपनियां हैं, ये समाज से बहुत कुछ लेती हैं, तो इनका यह नैतिक दायित्व है कि ये अपने लाभ का कुछ हिस्सा क्या करें, समाज के विकास में खर्च करें। यहाँ भी अन्य बातें समान रहें बात जरूरी है, क्योंकि सरकार जब कोई योजना बनाती है तो हम सब लोगों के साथ दिक्कत यह है कि हम लोग उसका ईमानदारी से पालन नहीं करते, पहला प्रयास करते हैं कि अच्छा इसमें हम कहाँ कहाँ बेईमानी कर सकते हैं, सबसे पहले उसका निगेटिव आस्पेक्ट हम ढूंढने लगते हैं। सरकार ने कहा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में समाज के लिए कार्य करिए, तो अगर आपको मान लीजिए आपके लाभ का 20% खर्च करना है, तो आप जितना लाभ पाते हैं 20% चुपचाप चले जाइए गांव में, एक गांव को गोद ले लीजिए और उस गांव के सारे बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, वहाँ की लड़कियों की शादी करिए, उतना वहाँ बिजली पानी सड़क का इंतजाम करिए, तो समाज सेवा और ये हुई। अब हम क्या करते हैं कि मुझे 20% का लाभ मिलना है, मुझे खर्च करना है, तो मैंने वो 20% में अपना ही एक विद्यालय खोल लिया, समाज से 3 गुनी फीस लेकर उनसे वसूलना शुरू कर दिया मैंने, और ये भी दिखाया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम तो स्कूल चला रहे हैं, वो स्कूल अब चला रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। तो ईमानदारी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी है, जो आप कर रहे हैं, आप नियमों का लाभ उठा रहे हैं, नियम की खामी का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप अपने को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि उसके माध्यम से और अधिक कमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो नीयत ही अगर खराब है तो नीति चाहे जितनी अच्छी बना दो दुनिया में सफल नहीं हो सकती है। इसलिए हिंदुस्तान को अब नीति नियम नहीं चाहिए, अब उसे नीयति चाहिए कि भैया नीयत अपनी ठीक रख लो, सब ठीक हो जाएगा। नीति तो बहुत है, नीति बनाने की ज़रूरत नहीं है। विदेशी विनियोग पर फोकस किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो इसलिए कि विदेशी विनियोग नहीं आता, उसके पीछे कारण हमारे देश का कर स्ट्रक्चर है, लेबर लॉज हैं, हमारी जो हमारे कानून हैं, ये सब इतने कड़े और पेचीदे हैं, और ज़रूरी इसलिए है कि मेरे पास पैसा नहीं है, जब पैसा नहीं है तो फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा पैसा चाहिए तो कहाँ से आएगा, वो बाहर से आएगा, तो बाहर से आए इसलिए इनमें सुधार करने की ज़रूरत है कि लोग यहाँ आने के लिए उत्सुक हों, उनका विनियोग यहाँ सुरक्षित हो, वो विनियोग के बाद जो लाभ प्राप्त करें रिटर्न, उसको अपने देश आसानी से ले जा सकें, या उनका पैसा, उनका सामान, उनकी पूंजी, ये सब यहाँ सुरक्षित रहे, स्थिर सरकार हो, तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करने का प्रयास किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका और रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, देखिए कोई भी पॉलिसी आप देख रहे हैं 91 तक आई, हर जगह सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, और कारण मैंने आपसे बार बार बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र यदि बहुत प्रभावशाली और बहुत बड़े पैमाने पर विद्यमान नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से आम जनता का इंटरेस्ट सुरक्षित नहीं रह सकता है, वो संभव ही नहीं है। इसलिए चाहे जितना दलील दी जाए, चाहे जितनी बुराई सार्वजनिक क्षेत्र में विद्यमान हो, किसी भी बुराई के आधार पर उसे बंद करना उचित नहीं है, बल्कि उसे ठीक करने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। अगर आप कहते हैं कि सरकारी क्षेत्र में कर्मचारी काम नहीं करता है, तो ठीक है, एक बार सारे कर्मचारियों को निकाल दीजिए आप, लेकिन कंपनी मत बंद करिए, आप दूसरे कर्मचारी एक बार आप केवल ऐसा कर दीजिए, पूरी कंपनी बंद करें से अच्छा है कि एक बार सबको निकाल दीजिए। ठीक है, वो एक हो सकता है उसका भी विरोध हो जाए, हो सकता है उसको भी लोग कहें कि ये सामाजिक कल्याण के खिलाफ है, लेकिन अगर कहा जाता है कि एक आदमी के मरने से पूरा गांव बच जाए, तो एक आदमी को मार देना पाप नहीं है कि पाप है? और अगर एक गांव के मरने से पूरा जिला बच जाए था तो गांव मार दो, और अगर एक जिला मरने से पूरा देश बच जाए तो एक जिला मार दो, इतनी बड़ी जनसंख्या क्या फर्क पड़ता है? किसी व्यक्ति विशेष के मरने का दुख तो हो सकता है, लेकिन आप जनरल एक व्यक्ति के मरने का क्या फर्क पड़ता है इतनी बड़ी जनसंख्या में? आप ऐसे देखिए, इसको बहुत सेंटिमेंटली मत लीजिए,
बहुत भावनात्मक रूप से मत लीजिए। जैसे अभी कोरोना में इतने लोग मरे, आप कभी नहीं रोए। जिस दिन आपका कोई आदमी मर गया उस दिन आपके यहाँ घर खाना बना? क्यों? रोज तो मर रहे थे तो क्यों आप कुंडल भर खा रहे थे? हाँ, इतना दुख था तो मत खाए होते भाई ना। इसका मतलब सामान्य मरने का मतलब सिर्फ संख्या है, ठीक है। और कोई जब तक अपना नहीं मरता है तब तक मरने का महत्व समझ में नहीं आता है। तो इसका मतलब यह है कि जब बड़े पैमाने पर कोई बात आप कर रहे हैं, लार्ज स्केल पर आप बात कर रहे हैं, जैसे इतने सारे तूफान आते हैं, भूकंप आता है, बाढ़ आता है, इतना सारे रीटा कैटरीना टॉर्पेडो दुनिया भर के तूफान आए, अम्फान, बहुत लोग मरे ना। तो क्या मरे तो मर गए, किसी पर क्या फर्क पड़ा भाई। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र को बचाए रखना बहुत जरूरी है भाई। मेरी व्यक्तिगत राय है, यह हो सकता है गलत भी हो, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो जैसे टीडी कॉलेज है, यहाँ ठीक है अगर 10-20 कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, 10-5 अध्यापक नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको आप टर्मिनेट कर दो, उनकी नौकरी ले लो, लेकिन टीडी कॉलेज को ठीक करो। इसको बंद करना विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका विकल्प बंद करने के बाद कोई दूसरा नहीं दे सकता है। अब तुमको यहाँ तो अध्यापक पढ़ाते नहीं है, कॉलेज ही बंद कर दो, तो क्या ये जवाब है क्या? पहली बात तो पढ़वाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम नहीं पढ़वा पा रहे हो। चलो कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे लाख कोशिश के बाद भी नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दो, उनको टर्मिनेट कर दो, उनको नौकरी से निकाल दो, 4-6-10 लोगों को, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई। कॉलेज तो बचा रहेगा ना। तो आप अपनी व्यवस्था मजबूत करिए, आप प्रशासन मजबूत करिए, आप मॉनिटरिंग स्ट्रांग करिए, आप उसकी उसका फॉलोअप बढ़िया करिए। आप ये सब करने के बजाय कह रहे हैं चलो दे दो टीडी कॉलेज, अब अंबानी चलाएं, इसका क्या मतलब भाई? ये तो गलत बात है ना। क्योंकि अगर आप अंबानी जी को देंगे तो ठीक है, उनसे कहिए दूसरा कॉलेज खोलें, उसको चलाएं बढ़िया, उनको देने बुराई नहीं है, लेकिन टीडी कॉलेज मत दो यार, टीडी कॉलेज को तुम ही चलाओ। जैसे आपने पिछली वाली पॉलिसी में देखा क्या था कि जो है वो लोग चलाते रहे, लेकिन नए वाले कौन खोलेगा? सरकार खोलेगी। तो आखिर वो भी तो पॉलिसी थी ना। तो जो है उसको देने की कहीं बात नहीं कही गई, आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी पॉलिसी में जो है उसको देने की बात नहीं कही गई, बल्कि जो प्राइवेट में है उसको 10 साल बाद लेने पर विचार किया जाएगा। याद है ना, एक पॉलिसी में कहा गया कि 10 साल बाद उनके राष्ट्रीयकरण पर विचार, और बहुत सारी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंकों का हुआ, 69 में हुआ, फिर बाद में हुआ, तो हुआ ना राष्ट्रीयकरण भाई, सब प्राइवेट सेक्टर में था। या आपके एयर इंडिया भी ये टाटा वालों की ही थी, प्राइवेट सेक्टर में, आखिर उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था ना जब आया था। तो इसका मतलब यह है कि सब मिला जुला करके आप देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, इसे कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि सदर अस्पताल में चले जाओ इलाज कराने, 1 रुपये की पर्ची में जितना इलाज करा के आते हो, दुनिया के किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में चले जाओगे तुमको 1 रुपये में तो घुसने ही नहीं देगा, इलाज तो दूर की बात है, ये घुसने देगा तब भाई। तो कैसे तुम कह सकते हो कि चाहे जितनी बढ़िया कोई प्राइवेट व्यवस्था हो, सरकारी का की बराबरी कैसे कर सकती है तुम्हें? तो सरकारी व्यवस्था ठीक करने की जरूरत है। जैसे हमारी इस उंगली में मान लो चोट लग गई, अगर नासूर हो गया, तो क्या हम पूरा हाथ थोड़े काट देंगे भाई अपना? यही उंगली ये काटेंगे ना जहाँ खराब हुई है। तो अब तुम पूरा सिस्टम ही अगर खत्म करने के चक्कर में हो, अगर लोग लापरवाही करते हैं, काम नहीं करते हैं, ये सब लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि इनको तुमने ऐसा करने को अलाउ कर रखा है। जैसे अगर सही में, जैसे ये तुम्हारा टीडी कॉलेज ही है, इस कॉलेज को अगर तुम सही में चाहते हो ठीक हो, और 10 बजे व्यवस्था बिल्कुल टाइट हो जाए, हर क्लास में एक अध्यापक प्रिंसिपल ले घूमने लगे और देख ले कौन है कौन नहीं है क्लास में, और 10-5 पर सबको नोटिस कर दे कि आज आप क्लास में नहीं थे, तनख्वाह आपकी काट ली जाती है, मजा ले कोई कल से नहीं आएगा क्लास में, 59 पर आ जाएंगे, बिल्कुल सही। इसका मतलब लोग नहीं अगर पढ़ा रहे हैं तो गलती पढ़ाने वालों की कम है, जो लोग व्यवस्था में है जिनकी जिम्मेदारी है उनकी लापरवाही ज़्यादा है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो पूरा देश में अगर कहीं गड़बड़ी है तो सबसे पहले वो व्यक्ति जिम्मेदार है जो जिसके पास देश की बागडोर है। ये कह देने से नहीं काम चलता कि आप काम नहीं करते इसलिए हमको ख़त्म कर रहे हैं, अरे काम लेना आपकी जिम्मेदारी है ना, आप काम लीजिए भाई। तो इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका किसी भी कीमत पर प्राइवेटाइजेशन ठीक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर होने बुराई नहीं है, आप बहुत सारे क्षेत्र हैं आप दे दीजिए, बहुत सारे काम हैं, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन को तो कतई मत दीजिए।
और हेल्थ और एजुकेशन अगर पूरी तरह प्राइवेट हुआ तो ये पक्का है कि लोग स्वास्थ्य से भी मर जाएंगे और अनपढ़ आजीवन रह जाएंगे, पढ़ना किसी की बस की बात नहीं रहेगी। क्योंकि पढ़ाई, जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं, जितना कम पैसा खर्च होता है आपका, उस पैसे में तो आप कक्षा एक, अभी भी आप प्राइवेट स्कूल में जाइए तो LKG जितनी फीस होगी पूरे एक महीने की, उतने आपकी पूरे साल भर की नहीं होगी, है कि नहीं है? तो आखिर इतनी महंगी पढ़ाई कैसे कोई पढ़ पाएगा भाई, गड़बड़ है कि नहीं है? अब देखो इस नीति के प्रमुख प्रावधान क्या थे। उदार औद्योगिक नीति, उदार का मतलब देखो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि हम निजी क्षेत्र को भी इनवाइट करेंगे कि आप काम करिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि हम जो बाउंड्रीज हैं उनको तोड़ेंगे, अर्थात अब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को खुला करेंगे, ठीक है, ओपननेस पर हम विश्वास करेंगे, हम टैरिफ को ख़त्म करेंगे, प्रतिबंधों को कम करेंगे। और लिबरलाइजेशन का मतलब कि हम लचीली नीतियों का निर्माण करेंगे। उदार, उदार का मतलब क्या होता है? उदार का मतलब है कि अब हम बहुत कड़े नहीं रहेंगे, आप जैसा कहेंगे आपके हिसाब से हम नीति बना देंगे, या जैसी ज़रूरत होगी उसके अनुसार हम परिवर्तन कर लेंगे, ठीक है। तो उदारता का मतलब है कि हम आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने को अब तैयार हैं, ठीक है। जैसे बहुत लोग होते हैं अभी भी अपने यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग घर में हैं जिनके लिए उनकी परंपरा बड़ी महत्वपूर्ण है, ट्रेडिशन एकदम बिल्कुल कट्टर ट्रेडिशनल है, तो ऐसे लोग बहुत खतरनाक हैं। कितना भी आप विकास की बात करें, कितना भी आधुनिकता की बात करें, लेकिन वो 13वीं शताब्दी की परंपरा में विश्वास करते हैं, वही मानेंगे। तो एक वह व्यक्ति है, दूसरा वह व्यक्ति है जो परंपरा में विश्वास करता है लेकिन जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ वह उसके हिसाब से परिवर्तन भी करने को तैयार हो जाता है। तो बेहतर कौन है? जो समाज जो समाज के साथ साथ चले, समय के साथ साथ चले। अरे कोई भी चीज़ हमेशा कभी भी सार्वभौमिक नहीं होती है। जो चीज़ 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल पहले सही थी, आज हो सकता है वो सही ना हो, तब वो ज़रूरी थी, अब वो ज़रूरी नहीं है। जब आप पढ़ते थे कि इस दिन को पूरब नहीं जाना चाहिए, इस दिन को पश्चिम नहीं जाना चाहिए, इस दिन को उत्तर नहीं जाना चाहिए, वास्तव में वो ऐसा नहीं कि वो कोई प्रतिबंध है आपको नहीं करना है, वास्तव में वो उस समय का ट्रैफिक रूल था। क्या था वो भाई? गांव में एक ही तांगा होता था, और अगर एक तांगे से सब लोग चारों तरफ जाने लगे एक ही दिन तो कैसे जाएंगे? तो बाकायदा साइंटिफिक तरीके से बना रखा था कि सोमवार को पूरब जाओ, मंगलवार को पश्चिम जाओ, बुधवार को उत्तर जाओ, बृहस्पतिवार को दक्षिण जाओ। कितना बढ़िया हो गया, कोई झगड़ा ही नहीं था, एक तांगा आराम से सबको पहुँचा दे, जहाँ जाना हो चला जाए। अगर ये ना होता और सबको जाना होता एक ही दिन, तब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तब क्या होता? तो भाई जो ताकतवर होता तो तांगा उसी क्या रोज जाता, तो बाकी लोग कैसे जाते भाई? तो ये वास्तव में कोई, अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, दिशाशूल हो गया। वो दिशाशूल हो गया, कुछ नहीं होता भाई, फालतू की बात है। वो यही था जो मेरी समझ में आता है, ये कहीं मैंने पढ़ा लिखा नहीं है, गलत भी हो सकता है, भगवान जाने, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक बढ़िया ट्रैफिक रूल था कि आप भाई झगड़ा उड़ा ना हो, सबका काम आराम से चल जाए। तो ये तो 91 की औद्योगिक नीति में उदार औद्योगिक नीति अनाउंस की गई, और इस नीति के द्वारा 18 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। कड़ा नियम का मतलब है कि आपको ढेर सारा लाइसेंस लेना है, और उदार का मतलब है कि ठीक है आइए उत्पादन करिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 18 उद्योगों को छोड़ करके बाकी के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इन 18 उद्योगों की दशा में लाइसेंसिंग व्यवस्था को अनिवार्य रखा गया है। इन उद्योगों में कौन से उद्योग थे? कोयला, पेट्रोलियम, जो वास्तव में राष्ट्रीय महत्व के उद्योग हैं, उनमें तो लाइसेंस अनिवार्य रखा गया, जिससे उनका दुरुपयोग ना हो, कम है तो मिसयूज़ ना हो, या उनका कहीं ब्लैक मार्केटिंग ना हो, कालाबाजारी ना हो, इन सब को रोकने के लिए
मनमाना वसूली न हो, इसको रोकने के लिए वहाँ लाइसेंस की व्यवस्था रखी गई। इन उद्योगों में कोयला, पेट्रोलियम, चीनी, चमड़ा, मोटर कारें, बसें, कागज़, अखबारी कागज, रक्षा उपकरण, औषधि इत्यादि शामिल हैं। जिन उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को अनिवार्य रखा गया है, उनके कारणों में सुरक्षा एवं सामरिक नीति, सामाजिक कारण, वनों की सुरक्षा, पर्यावरण समस्याएं, हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन तथा धनी लोगों के उपयोग की वस्तुएं मुख्य हैं। जिन वस्तुओं को लाइसेंस में रखा, उन पर किस चीज़ को महत्व दिया गया, किस आधार पर इनको लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया, जैसे जो राष्ट्रीय महत्व की है या सामरिक महत्व की है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे युद्ध या हमारी सुरक्षा से संबंधित हैं, या जो पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है, या जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है, या जिनका उपभोग धनी लोग करते हैं, तो धनी लोग करते हैं तो उनके लिए खूब लाइसेंस लगा तो भाई पैसा है अपना दें, करें, खत्म बात है, फर्क ही क्या पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। दूसरा, सरकार ने लोक उपक्रमों के प्रति नवीन दृष्टिकोण अपनाने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत ऐसे लोक उपक्रमों को अधिक सहायता प्रदान की जाएगी जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक हैं। इन उपक्रमों को अधिक से अधिक विकासोन्मुख और तकनीकी दृष्टि से गतिशील बनाया जाएगा। जो उपक्रम वर्तमान में ठीक नहीं चल रहे लेकिन पर्याप्त संभावनाएं हैं, उन्हें पुनः संगठित किया जाएगा। ध्यान दीजिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में कहा गया था जो ठीक से नहीं चल रहे हैं उनको पुनः संगठित किया जाएगा, उनको प्राइवेट में बेचा नहीं जाएगा, ये लाइन ध्यान रखिएगा। भविष्य में लोक उपक्रमों को विकास की दृष्टि से प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्न प्रकार होंगे। आवश्यक आधारभूत संरचना से संबंधित वस्तुएं और सेवाएं, यानी आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? आधारभूत संरचना होती है आपकी टेलीफोन, कम्युनिकेशन, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, पुल, रेलवे, रोडवेज, ये सब क्या है? ये आधारभूत संरचना है, ठीक है। और दूसरा, तेल खनिज संसाधनों का निष्कर्षण। तीसरा, ऐसे क्षेत्र में तकनीकी विकास एवं निर्माण क्षमता का निर्माण जो दीर्घकाल में उत्पादों का निर्माण, जहां सामरिक घटक महत्वपूर्ण है, जैसे सुरक्षा उपकरण। इस नीति के अंतर्गत सार्वजनिक उद्योगों की संख्या घटाकर केवल 8 कर दी गई, जो कि इस प्रकार हैं। सामरिक सुरक्षा वाले 8 उद्योग हैं जिनको इसके अंतर्गत रखा गया। अस्त्र एवं गोला बारूद तथा रक्षा साज सामान, रक्षा वायुयान और युद्धपोत से संबंधित मदे, परमाणु शक्ति, कोयला और लिग्नाइट, खनिज तेल, लौह मैग्नीज तथा क्रोम, अयस्कों, जिप्सम, गंधक, स्वर्ण और हीरे की खान, तावा, सीसा, जस्ता, टिन, मॉलीडिबनम और विल्फ्राम का खनन, परमाणु शक्ति के उपयोग के खनिज तथा रेल परिवहन। इसका मतलब आपने देखा कि सब बड़े इम्पॉर्टेंट उत्पाद हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रखा गया कि इनको प्राइवेट को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये सब या तो समाज की सुरक्षा से हैं, या राष्ट्रीय महत्व के हैं, या युद्ध से संबंधित हैं, या सामरिक कारणों से हैं, या हमारी सुरक्षा संबंधित हैं। अगर इन्हें प्राइवेट में दिया गया, सबसे पहली बड़ी बात होती है देखो अपनी गोपनीयता की सुरक्षा ही। तो कोई चीज़ जब प्राइवेट को आप दे देंगे और सब पब्लिक हो जाएगी तो उसकी गोपनीयता भंग हो जाएगी, और उसकी फिर सुरक्षा कर पाना प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़े पैमाने का इन्वेस्टमेंट जहाँ होता है, जैसे सुरक्षा की ही बात अगर हो, तो सरकार के पास सुरक्षा के इतने साधन हैं, इतनी एजेंसियां हैं सुरक्षा की, इतनी सेना है, ये सब। किसी एक व्यक्ति को अगर सुरक्षा करनी हो तो कहाँ से करेगा? वो कितना भी रुपया लगा देगा, चाहे हमारे जितने देश के जितने भी बड़े से बड़े धनाढ्य लोग हैं, वो जैसे मान लो हमारे यहाँ मुकेश अंबानी जी हैं, इनके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़े बिलियनेयर हैं, इसके बाद भी क्या भारत की सेना को रख सकते हैं क्या है? भारत की सेना को पूरा अगर इनको दे दिया आप चलाइए तो रख सकते हैं, सकने में दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है वो क्यों रखें भाई, वो क्यों रखें ना। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह सुरक्षा से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनको मजबूती से देखें। एकाधिकारी एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम में संशोधन, अमेंडमेंट इन MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट। इस नीति में यह घोषणा की गई कि बड़ी कंपनियों और औद्योगिक घरानों पर
एकाधिकारियों प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत पूंजी सीमा समाप्त कर दी जाएगी। इसके फलस्वरूप बड़े औद्योगिक घरानों और कंपनियों को नए उपक्रम लगाने, किसी उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, कंपनियों का विलीनीकरण करने, उनका स्वामित्व लेने अथवा कुछ परिस्थितियों में संचालकों की नियुक्ति करने, उनका स्वामित्व लेने अथवा कुछ परिस्थितियों में संचालकों की नियुक्ति करने के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति नहीं लेनी होगी। सरकार भविष्य में इस अधिनियम के माध्यम से एकाधिकारी प्रतिबंधात्मक तथा अनुचित औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने पर अधिक महत्व देगी। अब देखो, जो MRTP एक्ट था उसमें यह था कि एकाधिकारी शक्ति न बढ़े या पूंजी का संकेंद्रण न हो, तो बड़ा प्रतिबंध था। तो इसमें संशोधन कर दिया गया कि अब यह सीमा खत्म कर दी गई। कोई कंपनी अपना विस्तार करना चाहती है या किसी को खरीदना चाहती है या किसी में विलीन होना चाहती है तो यह सब उसको छूट दे दी गई। तो इससे क्या हुआ कि वो उत्पादन का पैमाना बड़ा कर सके, बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके, ज़्यादा मात्रा उत्पन्न कर सके, बहुत बड़े पैमाने की बचतें प्राप्त कर सके, कम लागत में अधिकतम उत्पादन कर सके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात सरप्लस को बढ़ा सके, विदेशी पूंजी अधिक आमंत्रित कर सके। इन सारी सुविधाओं के विस्तार के लिए MRTP में संशोधन कर दिया गया, यानी प्रतिबंधों को कम कर दिया गया। लेकिन ये जरूर ध्यान रखा गया कि प्रतिबंधात्मक तथा अनुचित औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने पर ध्यान दिया गया। ये सब लोग अगर अच्छा काम कर रहे हैं और उचित कर रहे हैं तो कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन अनुचित कर रहे हैं और अगर अनियमित हैं तो उस पर प्रतिबंध मजबूती से लगाया जाएगा। चलो बाकी शाम को।